स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अपने हैंड आउट को कैसे बुक शॉप से ऑर्डर कर सकते हो। तो बुक शॉप से ऑर्डर करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप से यहाँ पे वीडियो बुक शॉप लिखोगे। वीडियो बुक शॉप लिखने के बाद आप लोगों को जो है वर्चुअल की अपनी जो बुक शॉप की वेबसाइट है वो शो होने लग जाएगी। आप लोग उस पर क्लिक करोगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक इंटरफेस शो होने लग जाएगा। तो इस इंटरफेस में आप लोग जो है यहाँ पे आप साइन इन पर क्लिक करोगे और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप लोग कस्टमर नहीं है, आप लोग वीडियो के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग जो है स्टूडेंट पर क्लिक करोगे। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट आई डी लिखोगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखोगे और आप लोग साइन इन पर क्लिक करोगे। तो साइन इन पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट आई डी लिखनी है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखोगे। पासवर्ड लिखने के बाद आप लोग जो है लॉग इन पर क्लिक करोगे। तो हमने साइन इन पे क्लिक किया और उसके बाद हमारा जो है ये LMS, इसकी जो वेबसाइट है ये ज़रा स्लो है, इसलिए जो है ज़रा टाइम ले रही है। तो वीडियो को मैं पास करती हूँ। तो ये ओपन हो गई है। तो इसको ओपन होने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे अपना सेमेस्टर देखोगे, कौन सा आप लोग का सेमेस्टर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आठवां है या पांचवा है। तो वहाँ से आप लोग जो है शो चेक करने के बाद अपना रिक्वायर्ड अपना जो प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे और आप लोग को यहाँ पे जो है उसके हैंड आउट और उसकी जो DVD प्लेयर DVD जो उनके डिस्क हैं वो आप लोगों को अवेलेबल हुई तो आप लोगों को शो हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे DVD चाहिए तो आप उस पर भी क्लिक करोगे, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो आप उसको जो है डिसलेक्ट कर देंगे और उन बाकी जो चाहिए उनको आप लोग जो है सेलेक्ट कर लोगे। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी आप लोगों का जो है हैंड आउट अवेलेबल नहीं है और अगर आप लोगों को वो चाहिए, आप लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए एक ट्रिक है कि आप लोग किसी और भी स्टडी प्रोग्राम में जाके और जो है किसी और सेमेस्टर में जाके अपने स्टडी प्रोग्राम को सर्च करें तो हो सकता है कि आप लोगों को मिल जाए। तो जैसे कि जो है BA CS के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो जो है MTS 202 भी पढ़ते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे उनको MTS 202 शो नहीं हो रही। लेकिन अगर हम मैं BA CS की बजाय जो है ADP को सर्च करती हूँ तो जो है ADP के सेकंड सेमेस्टर के अंदर MTS 202 बुक अवेलेबल है। तो अगर आप लोग यहाँ से भी उस बुक को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग पहले इसकी एक बुक को सिलेक्ट कर लो, जो चीज़ें आप लोगों को नहीं चाहिए उनको आप लोग डी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ऑर्डर नो पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो मैं आप लोगों को ऑर्डर अपडेट करना भी सिखाती हूँ। आप लोगों को इसमें से एक बुक चाहिए, आप लोग जो है चेकआउट पर क्लिक कर दो। चेकआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ से वो इसलिए सिटी का पूछते हैं कि आप लोगों का सिटी कौन सा है। तो आप लोग सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप लोग उस पर क्लिक करो और आप लोग कंफर्म एड्रेस पे क्लिक करोगे और आप लोग जो है कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने ऑर्डर को अपडेट करने पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग अपने जो किसी और भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग दोबारा अपने होम पे आ जाए। कोई और भी आप लोगों को कोर्स की बुक चाहिए, अपने बहन भाइयों में से किसी की बुक मंगवाना चाहते हैं तो फिर भी आप होम पे आके जो आप लोगों की रिक्वायर्ड बुक है आप उसको भी अपने कार्ट में ऐड कर सकते हो और इकट्ठा उसको जो है चेकआउट कर सकते हो। तो ऑर्डर अपडेट भी हो जाता है पेमेंट करने से पहले पहले। तो ये वेबसाइट है ये ज़रा बिजी है, टाइम ले रही है, मैं वीडियो को फिर पास कर चलिए ऐसी हो गई, ठीक है। तो अगर हमको किसी और भी सेमेस्टर में जो कोई भी बुक चाहिए तो आप लोग उसको भी यहाँ से क्लिक करने के बाद उसको वो बुक्स यहाँ पे सेलेक्ट करो और फिर जो है ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो। ये तमाम बुक्स आपकी जो है दोबारा कार्ट होगी और जो पहले हमने जो MTS 202 भी सेलेक्ट की थी वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोग चेकआउट पे क्लिक करोगे और उसके बाद फिर आप लोगों को सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। अगर आप लोग दोबारा अपडेट करना चाहते हो तो आप लोग दोबारा भी अपडेट कर सकते हो, उसमें दोबारा और भी बुक्स ऐड कर सकते हो या कोई भी निकालना चाहते हो तो आप लोग निकाल सकते हो। तो सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करोगे और जो है आप लोगों ने इसकी जो फी है बैंक में पे करनी है। आप लोग इसकी जो फी ऑनलाइन पे नहीं कर सकते, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ SBL बैंक की फी ही मानता है। और उसके अलावा अगर आप लोग जो है बाहर किसी कंट्री से तरफ रखते हो तो आप लोग डिमांड ड्राफ्ट या फिर DD जो है के लिए चार्जेस पे करना चाहते हैं और उसके साथ आप लोगों को जो अपना वाउचर भी अपडेट करना पड़ता है। और जो आप लोग एक दिन वाउचर प्रिंट करोगे तो आप लोग सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर वो पे कर सकते हो। तो प्रिंट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को जो है आप लोगों का ऑर्डर शो होने लग जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्रिंट निकलवा के बैंक में ले जाओ, बैंक में उसको फी उसको पे करो या फिर आप लोग यहाँ पे जो है सेव एज PDF करके और आप लोग इसका प्रिंट निकलवा के बैंक में जाकर सबमिट करवा सकते हो फी अपनी। और उसके बाद फी को सबमिट करवाने के बाद पे करने के बाद आप लोग जो है ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करोगे
ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है, आप लोग का जो ऑर्डर है, आप लोग उस पर वी ऑर्डर पे क्लिक करोगे। वी ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कंफर्म योर पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप लोग जो है अपना ऑर्डर का जो फी पे की हुई है उसको आप लोग यहाँ पे ब्राउज करके, प्रूफ फाइल करके यहाँ से आप लोग जो है उसकी उसकी पिक्चर बनाएंगे, उसको जो है यहाँ पे आप लोग अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी बैंक की डिटेल लिखोगे कि आप लोगों ने किस बैंक में जमा करवाई, उसका ब्रांच कोड वगैरह, और आप लोगों ने किस डेट को अपडेट कर फी पे की। उस फी के पे करने के बाद जो है अपडेट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे जो है स्टेटस शो हो जाएगा कि आप लोगों ने अपना ऑर्डर की जो है पेमेंट कर दी है। तो अगर आप लोग एक दफा गलत भी कर दो तो दोबारा भी ठीक कर सकते हो उसको। उसके अलावा फिर जब आप लोग ये फी पे कर दोगे तो 1 या 2 दिन के बाद आप लोगों के जो यहाँ पे डेड स्टेटस है यानी कि नोट प्रोसेस पे जो क्लिक किया हुआ है, ये आप लोगों का जो है ग्रीन हो जाएगा 1 या 2 दिन के बाद। और ग्रीन होने के 3 या 4 दिन के बाद आप लोगों को जो आप लोगों के एड्रेस पे बुक्स मिल जाएंगी। तो ये तरीकाकार है आप लोगों का बुक ऑर्डर करने का। अगर आप लोगों को यहाँ से कोई बुक नहीं मिल रही तो आप लोग जो अपने कैंपस से रब्ता करें वहाँ से प्रिंटेड फॉर्म में ले लें बुक, और उससे आप लोग जो है प्रिंटेड फॉर्म में बुक से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों के सीनियर स्टूडेंट्स हैं आप लोग उनसे भी जो है बुक्स ले सकते हो, तो वो आप लोगों को हाफ पेमेंट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं बुक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जी, आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।